तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस वक्त दिल्ली में बीजेपी का ही हुक्म चल रहा है। बीजेपी अपने मुताबिक अफसरों का तबादला करवा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट में तब्दीलियां कर रही है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली बौखला गए हैं। हालांकि खुद बीजेपी के अलग अलग नेताओं की बात सुनकर ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के आरोपों में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जनता के लिए कोई भी अफसर कोई भी चीज जो काम नहीं करेगा, अगर वो जनता के लिए लायबिलिटी है, अगर वो करप्शन को कम नहीं करता, अगर वो भ्रष्टाचार को कम नहीं करता, जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता, तो उसको दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में इंक्लूडिंग एमसीडी, मैं एमसीडी की भी बात कर रहा हूं, इसलिए मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, उसको अपने जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। में लवली जी ने 15 साल सत्ता का मजा चखा है और जब किसी की सावन के महीने में फूट जाती है तो दुनिया हरी हरी नजर आती है, इसलिए उस बेचारे को सत्ता से बाहर हो गया। मेरा मित्र है, मैंने काम किया है अच्छा उसके साथ, विधायक रणलव जी के साथ, लेकिन मुझे लगा है उनको फोबिया हो गया है किसी प्रकार। अब शासन सत्ता कांग्रेस के हाथ से छीन कर, भ्रष्टाचारी लोगों से छीन कर जनता ने बीजेपी के लोगों हाथ में दिया है, तो बीजेपी के लोग किस ईमानदार अधिकारी से काम करा सकते हैं? तो उसी की तो पोस्टिंग करवाएंगे ना। बुराई हो तो इसमें बुराई क्या है? बीजेपी के पास मैंडेट है, दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें हैं, केंद्र में सरकार है, सबसे बड़ा दल है विधायक दल, लोगों के प्रति हम आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं, लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो ये हमारी जिम्मेवारी है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो उसमें कोई बीजेपी की सरकार तो